जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए अपनी पूरी मेहनत से हर महीने का राशिफल बनाता रहूँगा। हम इस वीडियो में सिर्फ तुला लग्न के जातकों के लिए दिसंबर 2020 कैसा रहेगा, सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो के अलग अलग सेक्शन में हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर संबंधित दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, आपके फाइनेंस संबंधित दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, आपके रोमांस संबंधित दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, आपके फैमिली संबंधित दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधित दिसंबर का महीना कैसा रहेगा और अंत में हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए, दिसंबर के महीने में चार महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। मंगल देव का राशि परिवर्तन जो 25 दिसंबर को है, शुक्र देव का राशि परिवर्तन जो 11 दिसंबर को है, सूर्य देव का राशि परिवर्तन जो 16 दिसंबर को है और बुध देव का राशि परिवर्तन जो 18 दिसंबर को है। देखिए, मंगल देव मीन राशि छोड़कर अपनी स्वयं की राशि मेष में जा रहे हैं, सूर्य देव वृश्चिक राशि छोड़कर धनु राशि में जा रहे हैं। देखिए, ये मंगल देव का और सूर्य देव का राशि परिवर्तन इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है, क्योंकि मंगल देव वक्री होकर मीन राशि में गए थे और अब अपनी राशि में दोबारा आ रहे हैं और सूर्य देव केतु के साथ युति में वृश्चिक राशि में ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे थे जो अब इस महीने समाप्त हो जाएगा। और इन सभी राशि परिवर्तन का आपके कैरियर पर, आपके पारिवारिक जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके फाइनेंसेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी विषयों पर हम अपने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक हर सेक्शन में चर्चा करेंगे। देखिए, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है जैसा कि आप देख रहे हैं, और यदि आप अपनी कुंडली हिंदी में देख रहे हैं तो वहां LA के स्थान पर हिंदी में ला लिखा होगा, तो ये मासिक राशिफल दिसंबर 2020 आपके लिए है। बाकी सभी लग्न के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। सर्वप्रथम बात करेंगे आपके व्यवसाय और कैरियर संबंधित दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, 1 से 10 दिसंबर तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। देखिए, यहाँ शुक्रदेव आपकी कुंडली के प्रथम भाव में अपनी ही राशि तुला में है, तो यहाँ आपकी कुंडली में बहुत ही शुभ योग मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण आपकी कुंडली में बन रहा है, तो यहाँ आपको अपने कार्य में जो नुकसान हो रहा था वो यहाँ समाप्त होगा, आपको यहाँ अपने कार्य में लाभ मिलता दिखाई देगा। देखिए, यहाँ उन जातकों को बहुत अधिक लाभ मिलता दिखाई देगा। देखिए, जो लोग मीडिया अथवा सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग में हैं, जो लोग फैशन डिजाइनिंग में हैं, जो लोग ज्वेलरी डिजाइनिंग में हैं, ऐसे जातकों को बहुत अधिक लाभ मिलता है यहाँ दिखाई देगा। देखिए, इसका आपके फाइनेंसेस पर, आपके फैमिली लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम अपने फाइनेंस रिलेटेड सेक्शन और फैमिली रिलेटेड सेक्शन में चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ सूर्यदेव आपकी कुंडली के दूसरे भाव में केतु के साथ युति में है, जिसके कारण ग्रहण दोष का निर्माण आपकी कुंडली में चल रहा है। देखिए, इसका नकारात्मक प्रभाव आपके फाइनेंसेस को लेकर यहाँ हो सकता है, आपके स्वास्थ्य को लेकर यहाँ हो सकता है, जिस पर हम अपने फाइनेंस रिलेटेड सेक्शन और स्वास्थ्य रिलेटेड सेक्शन में चर्चा करेंगे। देखिए, वर्तमान गोचर में मंगल देव आपकी कुंडली के छठे भाव में है, तो यहाँ आपको आपके कार्य को लेकर स्ट्रेस बहुत अधिक बढ़ सकता है, आपका वर्कलोड बहुत अधिक बढ़ सकता है। देखिए, मंगल देव की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर भी है, तो यहाँ ऐसे जातकों को लाभ मिल सकता है जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऐसे जातकों को यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स अर्थात सकारात्मक परिणाम मंगल के इस प्लेसमेंट के मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ आपको किसी भी प्रकार के झगड़े से दूर रहना है, अन्यथा ये समय आपको बहुत अधिक उलझनों में डाल सकता है, आप किसी प्रकार के कानूनी समस्या में भी यहाँ फंस सकते हैं, जिसके कारण आपके कार्य अथवा बिजनेस को नुकसान भी यहाँ हो सकता है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। देखिए, गुरु और शनि की युति आपकी कुंडली के चौथे भाव में है, जहां से वो आपकी कुंडली के दशम भाव को देख रहे हैं, तो यहां आपको अपने कार्य में, अपनी जॉब में एक स्टेबिलिटी मिलती दिखाई देगी। देखिए, इस कंजंक्शन का अर्थात गुरु और शनि की इस युति का आपको लंबे समय के लिए लाभ मिल सकता है। यू विल गेट सर्टेन अपॉर्चुनिटीज विच विल गिव यू प्रॉफिट फॉर लॉन्ग टाइम, अर्थात यहाँ आपको कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो आपको लंबे समय के लिए लाभ देंगे। आप कुछ नया कार्य यहाँ कर सकते हैं जिसका
आपको आने वाले समय में भी लाभ मिलता दिखाई देगा। देखिए इस युति का ऐसे जातकों को अधिक लाभ मिलता दिखाई देगा जो लोग फार्मिंग अर्थात कृषि से जुड़े हैं, जो लोग आटा दाल चावल के कार्य से जुड़े हैं, जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग एजुकेशन के कार्य से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को यहाँ अधिक लाभ मिलता दिखाई देगा। देखिए 10 से 15 दिसंबर तक आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ चार ग्रह सूर्य केतु बुध और शुक्र की युति आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बन रही है, तो यहाँ आपको आपके फाइनेंसेस को लेकर चिंता बढ़ सकती है। इसका आपके फाइनेंसेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके हेल्थ पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, हम इस पर आने वाले सेक्शंस में चर्चा करेंगे। देखिए 16 से 18 दिसंबर तक आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी। देखिए यहाँ सूर्यदेव आपकी कुंडली के दूसरे भाव को छोड़कर कुंडली के तीसरे भाव में जा रहे हैं, तो ये इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। यहाँ जो ग्रहण दोष आपकी कुंडली में बन रहा था वो यहाँ समाप्त होगा। आपको जो मानसिक परेशानी अपने कार्य को लेकर चल रही थी वो यहाँ दूर होगी। देखिए यहाँ आप में जो आत्मबल की कमी, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ गई थी वो यहाँ दूर होती दिखाई देगी। आप जो नया कार्य करने के बारे में सोच नहीं पा रहे थे उस कार्य को आप सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ जो आपका भाग्य साथ नहीं दे पा रहा था वो यहाँ आपको साथ देता दिखाई देगा। आपका मानसिक तनाव जो पिछले कुछ समय से चल रहा था वो यहाँ कम होता दिखाई देगा। देखिए 19 से 24 दिसंबर तक आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी। देखिए यहाँ बुधदेव आपकी कुंडली के दूसरे भाव को छोड़कर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में जा रहे हैं और बुध यहाँ से आपकी कुंडली के भाग्य भाव को भी देख रहे हैं। जो बुध का अपना ही भाव है अर्थात आपकी कुंडली के भाग्येश बुध हैं, तो यहाँ आपके जो कार्य आपके भाग्य को लेकर अटक गए थे वो यहाँ पूर्ण होते दिखाई देंगे। आपको यहाँ नई ऊर्जा, भरपूर आत्मबल अपने कार्य को लेकर मिलता दिखाई देगा। बुध का ये गोचर ऐसे जातकों को लाभ दे सकता है जो लोग कंसल्टेंसी बिजनेस में हैं, जो लोग वॉइस रिलेटेड कार्य से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को यहाँ अधिक लाभ मिलता दिखाई देगा। देखिए 25 दिसंबर के बाद आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। देखिए इस महीने का ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। देखिए यहाँ मंगलदेव छठे भाव को छोड़कर सप्तम भाव में जा रहे हैं जो मेष राशि है अर्थात मंगलदेव की अपनी ही राशि। देखिए यहाँ से मंगलदेव आपकी कुंडली के दशम भाव को, लगन भाव को और दूसरे भाव को भी देख रहे हैं जैसा आप इन एरो की मदद से देख पा रहे हैं, तो यहाँ आपको अपने कार्य में ऊर्जा प्राप्त होगी। देखिए यहाँ ऐसे जातकों को लाभ मिलता दिखाई देगा जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, जो लोग हेल्थ रिलेटेड बिजनेस से जुड़े हैं, जो लोग आर्म्ड फोर्सेस में हैं, ऐसे जातकों को यहाँ अधिक अवसर, अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देखिए जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, यहाँ आपको अपने पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। आपको यहाँ मानसिक परेशानी अपने पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर बन सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये था आपके कैरियर संबंधित दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए वर्तमान समय में राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और 15 दिसंबर तक सूर्यदेव आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है जहां से सूर्यदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, तो ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक समय नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू विल फेस मोर ट्रबल पर्टेनिंग टू योर लोअर इंटेस्टिनल एरिया अर्थात आपको अपनी आंतों के निचले हिस्से से संबंधित समस्या यहाँ बहुत अधिक बढ़ सकती है, और यदि आपको रक्त से संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो 15 दिसंबर तक का समय आपको बहुत अधिक परेशान यहाँ कर सकता है, आप इसका विशेष ध्यान रखें। आपको क्या उपाय करने हैं ये मैंने आपको उपाय सेक्शन में बताए हैं, आप वो अवश्य कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। देखिए 10 से 15 दिसंबर तक का समय आपको यहाँ अपने पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, आपको नींद आने में भी यहाँ परेशानी हो सकती है, आपको यहाँ बहुत अधिक बेचैनी महसूस हो सकती है। आप मेडिटेशन अवश्य करते रहें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार रोज करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये था आपके हेल्थ और स्वास्थ्य संबंधित दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके फाइनेंस और वित्त संबंधित दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए 10 दिसंबर तक का समय शुक्रदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में है, यहाँ आपको आपके फाइनेंसेस को लेकर जो तनाव चल रहा था वो शुक्र के इस प्लेसमेंट से कम होगा। मान लीजिए आपने कोई लोन ले रखा था तो वो यहाँ समाप्त होता दिखाई देगा, यू विल ईजिली रीपे दैट लोन अर्थात आप लोन को आसानी से यहाँ उतार पाएंगे।
आपकी मानसिक परेशानी अपने फाइनेंसेस को लेकर यहाँ कम होती दिखाई देगी। देखिए 10 दिसंबर के बाद आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर तनाव बढ़ सकता है, इसका आप विशेष ध्यान रखें और फालतू खर्चा ना करें, आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए 26 से 28 दिसंबर के बीच आप किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट अर्थात किसी भी प्रकार का कोई निवेश ना करें, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो ये था आपके फाइनेंस और वित्त संबंधित दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके रोमांस और प्रेम संबंधित दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए जो लोग सिंगल हैं वो 25 से 28 दिसंबर के बीच किसी प्रकार के रिलेशनशिप में पड़ सकते हैं, अर्थात आप किसी प्रकार के प्रेम संबंध में यहाँ पड़ सकते हैं। देखिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको 25 दिसंबर के बाद का समय बहुत अधिक तनाव दे सकता है। यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर, अर्थात आपको यहाँ अपने इमोशंस पर अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा ये समय आपके रिलेशन को खराब कर सकता है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो ये था आपके रोमांस और प्रेम संबंधित दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके परिवार संबंधित दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए 10 दिसंबर तक का समय आपका अपने जीवन साथी के साथ जो भी तनाव चल रहा था वो यहाँ समाप्त होता दिखाई देगा। देखिए यदि आपका वैवाहिक जीवन में आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव चल रहा था तो वो 10 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा। ये समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए शुभ समय है। देखिए इस महीने के अंत तक अर्थात 25 दिसंबर के बाद आपका अपने जीवन साथी के साथ जो तनाव है वो बढ़ने की संभावना बनी हुई है। आपको थोड़ा संयम यहाँ रखना होगा, आपको बहुत छोटी छोटी बातों पर क्रोध यहाँ आ सकता है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। देखिए इस महीने आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी टेंशन बन सकती है, आप अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। तो ये था आपके फैमिली संबंधित दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। देखिए आप लोग 19 दिसंबर को सुबह 7:09 से शाम के 5:28 के बीच लाल कपड़े में 5 किलो लाल मसूर का दान किसी गरीब को करें। देखिए इस समय का और स्थिति का आपने विशेष ध्यान रखना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। देखिए आप लोगों को गुरु के बीज मंत्र हमेशा करते रहने हैं, अर्थात आप गुरु का जो बीज मंत्र है ओम ग्राम गरीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप आप रोज 108 बार कीजिए। आप हर गुरुवार को किसी गरीब बच्चे को कुछ स्टेशनरी का दान अवश्य कीजिए। देखिए वर्तमान गोचर में राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, आपको राहु के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम जैरावे नमः, इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद रोज 108 बार करना है। देखिए जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनको 12 दिसंबर और 27 दिसंबर को प्रदोष व्रत करना है। उस दिन आप सूर्य उदय होने से पूर्व उठे, शिव मंदिर जाए और वहां बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। इस दिन आप शिव चालीसा पढ़ें और छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और विवाह आदि में जो भी अड़चने आप फेस कर रहे हैं वो आपकी दूर होती दिखाई देंगी। तो ये थे वो महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो ये था तुला लग्न के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।